दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा शहर है जहाँ पर हरियाली और वहाँ पर खुशहाली का बहुत ही ज्यादा आभास होता है। बताया जाता है कि बांग्लादेश देखने में बहुत ही छोटा है, पर वहाँ पर लोग काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ये देश इतना खुशहाल क्यों है, और क्या सच में ये देश जितना खुशहाल दिखता है? क्या वहाँ के रीति रिवाज भी ऐसे हैं जो जिससे कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाते होंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में, और मैं हूँ आपके साथ आयशा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि आपको अंदर से हिला कर रख देगा, क्योंकि वहाँ के कुछ कानून ऐसे हैं जिस कानून को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि हमारा भारत देश सबसे महान है, क्योंकि हमारे भारत देश में किसी भी तरीके का कानून किसी पर थोपा नहीं जाता, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकता है। पर बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बताया जाता है कि वहाँ के लड़कियों पर काफ़ी तरीके के प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, और इसी के साथ उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसी जोर जबरदस्ती भी की जाती है जिसे सुनने के बाद आप कभी भी अपनी बहन या बेटी को बांग्लादेश जैसे शहर में जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, और ज़्यादा इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में कौन से ऐसे रूल है जिसको जानने के बाद आप अपनी बहन बेटियों को वहाँ पर भेजना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप दोस्तों बताया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की पर बहुत ही तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनमें से एक है कि अगर लड़की चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से विवाह नहीं कर सकती है। अगर कोई लड़की वहाँ पर विवाह करने की इच्छुक होती है किसी भी लड़के से, तो उस लड़के का विवाह किसी और से करा दिया जाता है, या फिर उस लड़के के लिंग को काट दिया जाता है। दोस्तों, जो कि ये रूल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की लड़कियों को उनके भाई या फिर उनके खानदान के एक ऐसे व्यक्ति से भी उनका विवाह करा दिया जाता है जो कि उनसे दुगनी या तिगनी उम्र के होते हैं। दोस्तों, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, पर यह सत्य है। बताया जाता है कि बांग्लादेश की लड़कियां दूर देशों में तस्करी करके यौन शोषण के लिए भी भेजी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी बांग्लादेश के हैं या फिर अगर आप बांग्लादेश जाने के इच्छुक हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी हमारे भारत देश के हैं या फिर अपने देश से प्यार करते हैं, वो अपने देश का नाम हमें कमेंट के जरिए हार्ट के साथ लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।